हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे आंखों की संरचना के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। आंख क्या है? आंखें कक्षीय गुहा या जो ऑर्बिटल कैविटी है उसमें स्थित दृष्टि के सेंस का एक ऑर्गन है। हमारे बॉडी में दो अलग अलग आंखें होती हैं, परंतु वे एक समन्वय या कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करती हैं और एक इकाई के रूप में काम करती हैं। और हम इसी सिस्टम के कारण एक वस्तु को एक रूप में ही देख सकते हैं, जबकि आंखें उसको दोनों देख रही हैं, बट वो एक यूनिट के रूप में काम कर रही होती हैं। आंखों की संरचना को समझने के लिए हम इसकी पूरी स्टडी को तीन पार्ट्स के अंतर्गत कवर करते हैं। पहला है लेयर्स ऑफ आई बॉल, दूसरा है इंटीरियर्स ऑफ द आई, और तीसरा है एक्सेसरीज ऑफ द आई। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो लेयर्स ऑफ आई है वो क्या है। जो आई बॉल है उसकी वो जो है वो तीन लेयर्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आउटर फाइब्रस लेयर है, जिसे हम कॉर्निया और स्क्लेरा कहते हैं। आगे की ओर कॉर्निया होता है, पीछे और साइड में स्क्लेरा होता है। जो मिडिल लेयर है वो वेस्कुलर लेयर है, जिसमें कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आयरिस शामिल होते हैं, और जो अंदर वाली परत है उसे हम रेटिना कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटर फाइब्रस लेयर क्या है डिटेल में। इसे हम स्क्लेरा या श्वेत पटल भी कहते हैं, और आंखों का जो ये सफेद भाग है वो स्क्लेरा का ही एक पार्ट है। यह जो स्क्लेरा है वो पूरी आई बॉल का पीछे का और साइड का मोस्टली पार्ट कवर करती है। केवल फ्रंट में ये कंटिन्यूअस होती है ट्रांसपेरेंट रेटिना के रूप में। श्वेत पटल या जो स्क्लेरा है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और काफी मजबूत होता है। इसके मुख्य कार्य क्या है कि एक तो ये आई बॉल की स्ट्रक्चर या शेप को बना के रखता है, गोल जो स्पेरिकल शेप में। इसके अंदर जो संरचना है उनकी सुरक्षा करता है, और नेत्र गोलक के आई बॉल को मूव करवाने वाली जो मसल्स हैं उनको अटैचमेंट के लिए स्थान प्रदान करता है। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स होती हैं उस स्क्लेरा पे जुड़ी होती हैं और हमारी आंखों को लेफ्ट राइट अप डाउन इस प्रकार मूव करने में हेल्प करती हैं। इसका आगे का जो पार्ट है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है। कॉर्निया एंटीरियर आगे की तरफ थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, और जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आती है उन्हें रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए उसको बेंड करता है। वह स्थान जहां कॉर्निया और श्वेत पटल या स्क्लेरा मिलते हैं उसे हम लिम्बस कहते हैं। कॉर्निया की जो मोटाई है वो पेरिफ्री में 1 mm और मिडिल में आधा mm होती है। इसको हम इस पिक्चर की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे ये आई बॉल है जो ऑर्बिटल कैविटी में है और इसको सपोर्ट किया हुआ है फैटी टिश्यू के द्वारा। इसके चारों तरफ ये जो स्क्लेरा है वाइट पार्ट, इस पर ये मसल्स लगी होती हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स हैं जो इसको मूव करती हैं। इसका बाहरी पार्ट जो हमने अभी स्टडी किया वो है ये वाइट कलर का स्क्लेरा। ठीक है, और बिल्कुल आगे फ्रंट में ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये व्हाइट जो आपको पार्ट दिख रहा है ये स्क्लेरा है, और यहां पर ये पार्ट यहां से इतना जो गोल है वो कॉर्निया है। जहां पर कॉर्निया और स्क्लेरा मिलते हैं उस पार्ट को हम लिम्बस कहते हैं। मिडिल पार्ट वेस्कुलर लेयर कहलाती है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके मुख्य तीन पार्ट होते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आयरिस। कोरोइड जो है वो जो स्क्लेरा है उसको अंदर की ओर से लाइन करता है, जैसे ये स्क्लेरा है और यहां पर चिपकी हुई होती है इसके नीचे की तरफ कोरोइड। ठीक है, तो पोस्टीरियर और जो लेटरल पार्ट है उस सब में ये कोरोइड है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसीलिए यह गहरे चॉकलेट कलर का होता है। आगे की ओर इसमें सीलियरी बॉडी होती है जो इसे
आयरिस से जोड़ती है। अब देखते हैं कि सीलियरी बॉडी क्या है। सीलियरी बॉडी कोरोइड का ही एंटीरियर कंटिन्यूएशन है, जिसमें सीलियरी मसल्स और सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ तक ये कोरोइड है और ये सीलियरी बॉडी, इतनी पूरी सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी लेंस को सस्पेंसरी लिगामेंट्स के जरिए थामे रखती है। यहाँ पर लेंस है और इसको होल्ड करती है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो अल्टीमेटली सीलियरी बॉडी से जुड़े होते हैं। अब आता है आयरिस। आयरिस कॉर्निया और लेंस के बीच में एक कॉन्ट्रेक्टाइल, यानी जो फैल और सिकुड़ सकता हो, इस प्रकार का एक डायाफ्राम है। इसके सेंटर में होल होता है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये आंख का दिखाई देने वाला कलर्ड पार्ट है। जब हम आंखों में देखते हैं तो एक कलर दिखाई देता है, वो कलर्ड पार्ट आयरिस ही है। यह पिगमेंट कोशिकाओं और स्मूथ मसल्स फाइबर्स की दो लेयर से मिलकर बना होता है। ये स्मूथ मसल फाइबर एक सर्कुलर होता है और एक रेडिएटिंग होता है। ये जो मसल फाइबर्स हैं, सर्कुलर और रेडिएटिंग, ये आंखों की जो ये प्यूपिल है, इसको फैलाते हैं या सिकोड़ते हैं और आंखों में प्रवेश करने वाले लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। आयरिस का जो रंग है वो आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जैसे ब्राउन कलर की आईज हैं, यहाँ पर ये हल्की सी ब्लूइश हैं, ठीक है, तो ये जन्मजात होती है। और ये डिपेंड करता है पिगमेंट सेल्स पर। जैसे एल्बिनो, एल्बिनो मतलब जिसमें कलरलेस आईज होती हैं, तो उनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। नीली आंखों वालों में कम पिगमेंट होते हैं और ब्राउन वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादा पिगमेंट होते हैं। तो इस प्रकार ये कलर डिसाइड होता है जेनेटिकली। अब हम आते हैं सबसे अंदर वाली लेयर पर। रेटिना की जो आई वॉल है, उसकी सबसे भीतरी परत आंखों की रेटिना होती है। यह नर्वस टिश्यूज या नर्व कोशिकाओं से और उनके एक्सोन से मिलकर बनती है, जो एपिथेलियल सेल्स की एक पिगमेंटेड लेयर पर जुड़े होते हैं। और इसी लेयर के द्वारा ये कोरोइड से अटैच होती है। रेटिना की जो ये सेंसिटिव लेयर है, वो प्रकाश और रंग के प्रति सेंसिटिव होती है और इसमें फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं, जिन्हें हम रोड्स एंड कॉन्स कहते हैं। इसी में एक मैक्यूला ल्यूटिया नाम का एक स्थान होता है, जो बिल्कुल पोस्टीरियर पोल के पास है। ये हल्का सा येलोइश पार्ट है, जिसका डायामीटर 4 mm होता है। इसके सेंटर में एक छोटा सा खड्डा होता है, जो 1.5 mm व्यास का है, और इसे हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। सामान्यतः जो भी लाइट बाहर से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, वो इसी पार्ट पर फोकस होती है। इसके पास में एक ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट होता है। यह लगभग 3 mm का पार्ट है और ये व्हाइट कलर का होता है। इसे हम ब्लाइंड स्पॉट, व्हाइट स्पॉट कुछ भी कहते हैं, या ऑप्टिक डिस्क भी कह सकते हैं। इसका जो एक दबा हुआ पार्ट होता है, खड्डा होता है छोटा सा, उसे हम फिजियोलॉजिकल कप कहते हैं या शारीरिक कप कहते हैं। यहां पर हम इसको इस पिक्चर की सहायता से समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये रेटिना है, 1, 2 और 3 लेयर यानी इनर मोस्ट लेयर है, और इसके सेंटर में यहाँ पर फोविया सेंट्रलिस है, जहां पर लाइट फोकस होगी, और इसके पास में ही ऑप्टिक डिस्क है, जहां से ऑप्टिक नर्व बन के ब्रेन की तरफ चलती है। अब आता है इंटीरियर ऑफ द आई, मतलब आंखों के अंदर क्या है। तो आंखों के अंदर मुख्य 3 चीजें हैं। लेंस, जो आंखों के पूरे अंदर के पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। आंखों जो लेंस के सामने की ओर जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, और पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर आयरिस या परितारिका के आगे की ओर होता है और पोस्टीरियर चैम्बर इस आयरिस के पीछे की ओर होता है। दोनों चैम्बर्स का जो बीच में कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो है प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू जो भी इसमें फ्लूइड है, वो आवागमन करता है। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है, उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और इसी के कारण इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बना होता है।
अब ये जो एक्वस फ्लूड है, ये सीलियरी ग्लैंड्स, जो सीक्रेटरी ग्लैंड्स होती है सीलियरी बॉडी में, वहां से सीक्रेट होता है, पहले पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है, फिर प्यूपिल के माध्यम से एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। एंटीरियर चैम्बर से ये फिर जो ऊपर की तरफ जो शेलम केनाल होती है, वहां से ये वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वीनस ब्लड में ये चला जाता है। इस प्रकार ये एक सर्कुलेशन बना रहता है। ये जो लेंस है और जो यहाँ के आगे के पार्ट्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने और वहां के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेंस के पीछे की ओर होता है और ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की तुलना में काफी बड़ा होता है। यह चारों तरफ से पूरा रेटिना से कवर्ड होता है और इसमें एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूड होता है, जिसे हम विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस बॉडी कहते हैं। ये विट्रियस ह्यूमर एक डेलिकेट हाइलॉइड का वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है। लेंस, लेंस एक स्पेशल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। यह बाईकॉनकेव है, यानी दोनों बाईकॉनवेक्स है, यानी दोनों तरफ से कॉनवेक्स है। इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 4 mm होती है। ये सिलियरी बॉडी के सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा अपने स्थान पर बनाए रखा जाता है और एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स के बीच में स्थित होता है। इसके चारों तरफ एक लेंस कैप्सूल होता है, यानी ये लेंस कैप्सूल के अंदर होता है। अब आता है एक्सेसरीज ऑफ आईज। ये बेसिक आईज की स्ट्रक्चर हो गई है। अब इसके आसपास की जो संरचनाएं हैं वो हम देखेंगे, वो क्या है। आंख एक नाजुक अंग है जो कई संरचनाओं के द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसमें आईब्रोज, आईलिड्स या आईलैशेस, आईलिड्स एंड आईलैशेस एंड लैक्रिमल अपरेटस शामिल होते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईब्रोज क्या है। जो हमारी फोरहेड है उसमें ऑर्बिटल कैविटी के ऊपर, फ्रंटल बोन्स के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन होते हैं और उसके जस्ट ऊपर जो स्किन है वहां से तिरछे बाल जो नीचे की ओर आते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, उन्हें हम आईब्रोज कहते हैं। ये आईब्रोज ये प्रोटेक्ट करते हैं आंखों को, धूल मिट्टी और जो फॉरेन बॉडीज आए उनसे बचाती हैं। इसी प्रकार अगर पसीना भी आता है तो वो भी साइड में चला जाता है, तो वो भी आंखों में प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। आईलिड्स और आईलैशेस, ये भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। आईलिड्स एक ऊपर एक नीचे, ये स्किन के स्पेशल फोल्ड्स होते हैं जो आंखों को सुरक्षित रखते हैं, आंखों को हम बंद कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और इनके जो फ्री जो एरियाज हैं ये वाले, वहां पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें हम आईलैशेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो आईलिड्स को अंदर की ओर से अस्तरित करती है तथा कॉर्निया के ऊपर भी कवर रहती है, तो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो ये एक पूरा कंजक्टाइवल सैक क्लोज्ड बन जाता है। अब आता है लैक्रिमल अपरेटस। प्रत्येक आंख में एक एक लैक्रिमल अपरेटस होता है, जिसके पार्ट्स होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड एंड इट्स डक्ट। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड है और इसकी डक्ट्स होती हैं, ये आउटर साइड में होती हैं। यहां पर एक लैक्रिमल डक्ट यहाँ और एक लैक्रिमल डक्ट यहाँ। दो लैक्रिमल कैनालिक्यूली होती हैं जो मीडियल साइड में होती हैं, ठीक है ना, इस साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर। लैक्रिमल सैक होता है इस जगह और लैक्रिमल डक्ट, नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है, ठीक है ना, जो लैक्रिमल सैक से इधर नाक के अंदर ओपन होती है। तो ये अपरेटस होता है पूरा सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं वो लैक्राइम्स या आंसू सीक्रेट करती हैं, जिसमें पानी, खनिज लवण, एंटीबॉडीज और लाइसोजाइम एक जीवाणुनाशक एंजाइम होते हैं। ये जो टीयर्स हैं ये आउटर साइड से आंखों के ऊपर कंटिन्यू फ्लो करते हैं और अंदर की ओर आकर मीडियल कैंथस की तरफ आकर कैनालिक्यूली के द्वारा लैक्रिमल सैक में जाते हैं और वहां से नेजो लैक्रिमल डक्ट के द्वारा नाक तक आ जाते हैं, वहां से अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब आता है, ये आंखों की संरचना हुई। अब आता है फिजियोलॉजी ऑफ विजन, हम देखते कैसे हैं। स्पष्ट विजन प्राप्त करने के लिए जो विजुअल फील्ड है वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आनी चाहिए हमारी आंखों में, तभी हम देख सकते हैं। अब जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो हमारी आंखों में
स्पष्ट हम कैसे देखेंगे, उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज होता है, चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल होता है, और एकोमोडेशन ऑफ द आईज होता है। इसके बाद लाइट फोकस होती है रेटिना पे। तब हम तीनों सिस्टम्स को ध्यान से देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज ये क्या है? जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, जैसे लाइट आ रही है वो बेंड हो गई, तो इस बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। यही प्रिंसिपल आंखों में भी लागू होता है। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही होती है आंखों की तरफ, तो यहाँ पर तीन चार मीडियम होते हैं, उनसे जब वो गुजरती है तो बेंड हो जाती है और फाइनली ये रेटिना पे फोकस हो जाती है। तो कौन कौन से पार्ट है जहां से ये रिफ्रैक्ट होती है? उसमें कंजंक्टिवा, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस बॉडी, इन सब से गुजर कर ये रेटिना तक पहुंचती है। इसके अलावा इसको कंट्रोल, लाइट को कंट्रोल करने के लिए चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल ये प्रोसेस भी होता है। आंखों में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित किया जाता है आयरिस के द्वारा। ठीक है, यदि तेज रोशनी होती है तो आयरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है और कम लाइट अंदर जाती है। यदि रोशनी कम होती है तो ये प्यूपिल डायलेट हो जाता है और ज्यादा रोशनी को अंदर जाने देता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पार्ट है एकोमोडेशन ऑफ आईज। ये क्या करता है कि आंखों की जो पावर है उसको चेंज करते हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि वस्तु दूर है या नजदीक है। दूर होता है तो अलग एकोमोडेशन होता है, पास होता है तो अलग एकोमोडेशन होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु पास आई तो उससे क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा, कन्वर्जेंस ऑफ आईबॉल होगी, आईबॉल नजदीक आएगी, पास में आएगी, और लेंस की पावर चेंज होगी, उससे वो फोकस होगा। इसी प्रकार यदि वस्तु दूर जाएगी तो जो आईबॉल है वो थोड़ी सी दूर होंगी और जो अपना प्यूपिल्स हैं वो डायलेट होंगे और लेंस की पावर फिर से चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार वो, इसे हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ विजन और आईज। इसके बाद फाइनली ये जो लाइट रेज है ये रेटिना पर केंद्रित होती हैं। ये लाइट रेज जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स हैं उनमें केमिकल चेंजेस उत्पन्न करती हैं और नर्वस जो हमारे इम्पल्स हैं वो क्रिएट करती हैं। ये नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से सेरिब्रम के जो ऑप्टिक लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है पीछे की तरफ, वहां पर जाती लेकर जाती हैं और हमें वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये होती है एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई। थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। आप ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसे विजिट कर सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।